एक अजान हो रही है, रह गई है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो किसकी बर्थडे है, किस खड़ी है इस टाइम एक प्रिटीएस्ट ड्रेस के अंदर जो कि डिज़ाइन किया है मेरी मदर शरीफ ने। बोलो इधर भी रोटियां पीछे कर लें, एक मिनट। बीफ कढ़ाई, बीफ जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर। आज है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे, मेरे लिए नहीं फारिया के लिए, क्योंकि उसकी है बर्थडे। यहाँ पे महक अपना काम कर रही है, क्योंकि वो जो हैप्पी बर्थडे की फुल लाइन होती है वो हम रेडी कर रहे हैं। समोसा पार्टी, हैप्पी, ओए वाइड ही कर, हैप्पी हो चुका है कंप्लीट, बर्थडे भी हो चुका है कंप्लीट, हैप्पी और बर्थडे हो चुका है कंप्लीट। अब वॉल की डेकोरेशन तो कुछ करनी है। ये हमारे पास कुछ होता है ना शादियों पे, मेहंदी के होते हैं वो, हैं सोच रहे हैं इनसे कुछ डेकोरेशन कर लें, देखते हैं। मैं कैसे और लेने गई हुई है, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बात और, क्या आपने व्लॉग्स नहीं मिस करने आगे, बिकॉज आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत इंजॉयबल व्लॉग्स आने वाले हैं, आपने वो मिस नहीं करने। मैं काजा बच्चे, मेरे ना एग्ज़ाम्स A few moments later हुए ख़त्म। अब सुबह मेरा बायो का प्रैक्टिकल है, टेंशन वेंशन तो नहीं है, टेंशन लेके क्या करना है अलवार ए। तो ये देखें आ गई है महक, इसे लेते हैं, ये वाओ, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा है, इसको लेते हैं। हाँ डेकोरेशन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो इसमें तीन तीन चार चार कलर हैं, इसको करते हैं, इनके साथ करते हैं डेकोरेशन। हाँ डेकोर कैसे करेंगे, डेकोर की कोई समझ नहीं आ रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी और बर्थडे मतलब वो लाइन तो ऐसे हो गई है ना, रेडी हो गई है, मतलब अब इनको क्या करना है कैसे करना है ये समझ नहीं आ रही। लंबे लंबे लटकाए हैं या इनको अभी ऐसे सर्कल में करें, ऐसे जो शेप नहीं प्यारी पर्दों टाइप शेप। हाँ पर्दों टाइप शेप होती है, मैं भी वही सोच रही हूँ, बहुत प्यारी लगती है वो, देखते हैं देखते हैं और आपको करके दिखाते हैं। कुछ भी अब मैं एक ये देखें, यह बनाने का शेकअप मैं इसके अंदर तो आपको साफ नहीं दिखा सकती, आप जो भी सीन देखेंगे ना मैं कुछ ना कुछ ठूस रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है। बलून खाएं, कामयाब हम होंगे, कामयाब इतना ही ना, ये देखो इतना ही ना, फिर देखना अंदर देखो, इसे बंद कर देना। ओके कुछ भी ओए तुम ना, जिसके लिए हम कर रहे हैं ना, आराम से शावर ले लिया, हमें इतना कुछ करना पड़ा है, बंदे में कुछ भी मिलेगा। मेरी बर्थडे भी आने वाली है, ओ गाइस कमेंट मेरी आनी है, कमेंट मम्मा की आ गई, मम्मा की आ गई, तो इसके बाद मम्मा की आ गई, इसके बाद मम्मा की है, फिर मम्मा की एनिवर्सरी है, फिर मेरी बर्थडे, तो पहले मैं मुझसे आते हैं बस ये हमारे साथ वेलकम बैक टू अ न्यू एंड अनदर व्लॉग। एंड आज क्या कहना चाहिए, विद बर्थडे वाइब्स। अच्छा जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रिटी गर्ल, एक प्रिटी क्वीन, आज तो कोई मुझे गर्ल और क्वीन ना भी कहे, अजान हो रही है वैसे, थोड़ी देर चुप। अच्छा जी, तो अजान हो चुकी है ख़त्म, और आई थिंक सर राउंड अबाउट एक अजान हो रही है, रह गई है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे किसकी बर्थडे है, किस, मैं आपको बता दूं कि ये प्रिटी मोहतरमा जो आपके सामने खड़ी है इस टाइम एक प्रिटीएस्ट ड्रेस के अंदर जो कि डिज़ाइन किया है मेरी मदर शरीफ ने, और आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग दुनिया की नंबर वन जो है ना वो डिज़ाइनर है, क्योंकि इतनी इतनी कमाल के आइडियाज़ होते हैं ना उनके दिमाग में, आपको भी जब अपनी पूरी ड्रेसिंग दिखाऊंगे ना फिर आप लोगों का अंदाज़ा होगा।
है मुद्दे की बात तो बताई नहीं कि बर्थडे आज जो है वो मेरी है। अक्टूबर में लेजेंड लोग ही पैदा हो सकते हैं, कोई आम मीरब और महक जैसे लोग तो पैदा नहीं हो सकते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सिर्फ लेजेंड लोग पैदा हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मेरे जैसे। ये हमारे फेवरेट 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 क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, द किंग ऑफ द क्रिकेट टीम, जो हमको लगता है, हमको लगता नहीं बल्कि प्रूव किया हुआ है उसने, ठीक है, वो तो उसकी भी बर्थडे जो है अक्टूबर में आई है। और बहुत लेजेंड लोग हैं जिनकी बर्थडे अक्टूबर में आई हैं। सो आज का जो सीन है व्लॉग, सॉरी थोड़ा लेट शुरू किया मैंने, शुरू सुबह से करना चाहिए था, बट वो थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह कर रहे थे और पता नहीं इन्होंने मुझे क्या सरप्राइज़ देना है। सुबह से एक बंदे ने भी मुझको विश नहीं किया और अच्छे से सरप्राइज़ नहीं दिया। ये तुम क्यों आ रही हो मेरे व्लॉग में? ये क्यों आ रही है मेरे व्लॉग में? गाइज ये नहीं आ सकती, आज मेरा डे है, आज पूरे व्लॉग पे मैं राज करूँगी। जी आपको पता है ये आपके और मेरे सीक्रेट है। ओके, क्या सीक्रेट है? दैट्स आवर सीक्रेट्स। आप लोग मुझे बता दें जी, इस टाइम अभी भी बता दें। ये हमारे फेवरेट 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 क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, द किंग ऑफ द क्रिकेट टीम, जो हमको लगता है, हमको लगता नहीं बल्कि प्रूव किया हुआ है उसने, ठीक है, वो तो उसकी भी बर्थडे जो है अक्टूबर में आई है। और बहुत लेजेंड लोग हैं जिनकी बर्थडे अक्टूबर में आई हैं। सो आज का जो सीन है व्लॉग, सॉरी थोड़ा लेट शुरू किया मैंने, शुरू सुबह से करना चाहिए था, बट वो थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह कर रहे थे और पता नहीं इन्होंने मुझे क्या सरप्राइज़ देना है। सुबह से एक बंदे ने भी मुझको विश नहीं किया और अच्छे से सरप्राइज़ नहीं दिया। ये तुम क्यों आ रही हो मेरे व्लॉग में? ये क्यों आ रही है मेरे व्लॉग में? गाइज ये नहीं आ सकती, आज मेरा डे है, आज पूरे व्लॉग पे मैं राज करूँगी। जी आपको पता है ये आपके और मेरे सीक्रेट है। ओके, क्या सीक्रेट है? दैट्स आवर सीक्रेट्स। आप लोग मुझे बता दें इस टाइम अभी भी बता दें। ये क्या तुम स्कीमें चला रही हो? ये सीक्रेट की हैं भाई, आज बर्थडे मेरा है तो खबरदार आप लोगों ने को मिल के प्लानिंग स्कीम। ये जब इकट्ठा होगा ना हम लोग फिर पता लगेगा। तो मेरे को शूट किया है ना? इतनी अच्छी मैं मतलब कुछ सीन सीन शूट की है अपने लिए करती हूं, आपके लिए करूंगी। जो भी आप लोगों ने गुफ्तगू की है तो मेरे बारे में ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि लेजेंड्स की बातें उनकी पीठ पीछे की जाती हैं, आम लोगों की बातें उनके सामने की जाती हैं जी। तो अब जो मेन काम रह गया वो है आपको अपनी ड्रेसिंग दिखाना, मीरा की ड्रेसिंग दिखाना, मैं कभी शावर लेने वाली रहती है, उसका जो ड्रेस है वो अभी टेलर के पास पड़ा है, और उसके बाद मामा की ड्रेसिंग मैं आपको दिखा दूंगी विदाउट फेस, और उसके बाद आज की तैयारियाँ, डेफिनेटली बर्थडे है के कट होगा और खाने पीने का कुछ सीन होगा, और मैं आपको अपनी गिफ्ट दिखाऊंगी। एक गिफ्ट तुम्हारी बर्थडे अगले साल आनी है जाके। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है मैं जो भी सीन होगा सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बी कंटिन्यू, सबसे पहले हम आपको अपनी ड्रेसिंग्स दिखाते हैं। अब आपने मेरी तो ड्रेसिंग देख ली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शहजादी सिस्टर की भी आप ड्रेसिंग देख लें। ये है हमारी ड्रेसिंग, है मिलती जुलती स्टिच टाइप है, बट थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स में है। हम दोनों की घुमो सेम है। हाँ, और महक का कुर्ता पजामा। अच्छा जी, तो बाकी का जो सीन है खाने पीने का, केक कटिंग का, जो भी है, अब हम आपको उस सीन पे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको महक की ड्रेसिंग ज़रूर दिखाऊंगी, और अली मूसा और भाई लोगों की ड्रेसिंग भी प्रेफर करूंगी, वो भी आप लोगों को दिखा के फिर बाकी सीन शूट करेंगे। आओ बुलाओ। शाबाश, सरकार कपड़े नहीं पहनने? कहाँ बैठे? होटल में। रोशनिया क्या खाया? अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसे? सॉरी गाइस, सो इट्स टाइम टू लीव फॉर होटलिंग, है ना मुझे काजम? होटलिंग का मतलब होता है होटल में खाना खाने जाने का, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का। और बर्थडे गिफ्ट, और हमारा माइंड बन रहा है कि हम जो है ना वहीं पर केक कट वगैरह कर लें। सो जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं बाहर। क्यों नहीं गिफ्ट देना आपने मुझे? गिफ्ट नहीं देना,
ओके आपसे मिलते हैं जाके होटल में, सो स्टिल वॉचिंग, कीप इट अप, हमारे साथ रहिएगा, ठीक हो गया। और अगर मैं आपको नहीं बात बताती हूँ, आप लोगों ने बताना है कि हम में से किसकी ड्रेसिंग प्यारी है, और ड्रेसिंग प्यारी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे ड्रेस के कलर के कॉमेंट्स में हार्ट रेट करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। सो होटल में चल के, बल्कि रास्ते में चल के आपको मिलते हैं। चल मूसा खा, चल 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 चलो भाई। हाँ जी, लड़ी क्यों जा रहे हो हीरोज? एक अल्लू अर्जुन, एक रामचरण। आवाजें दिए जाते हैं, वो पीछे मुड़ के भी आ जाते हैं। यहाँ से खोल भी सकते हैं? नहीं नहीं, फोर्ड वो प्राडो कौन सी फोर्ड, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? हेलो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्यों मस्तियाँ करें, क्योंकि हम, हमारी जान को सुकून नहीं है यहाँ पे। खाना आने में अभी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी जो है ना मस्तियाँ कर लेते हैं। मीरब जो है ना वो भी यहाँ पर मेरे साथ आई हुई है। बोलो इधर भी रोटियाँ पीछे कर ले। बीफ कढ़ाई, बीफ कढ़ाई माशाल्लाह, मम्मा बॉयल आ रहे हैं, रोटियाँ, रायता। आहा हाँ हम इसके अंदर ही खाते हैं, आ जा। नहीं बाबा, इसी में खाने खाली, गर्म तो नहीं है ना? One year later. हमने जो है ना कढ़ाइयों का हाल किया, और अभी भी मुसलसल अली साहब खाई जा रहे हैं। मूसा काजम ऐसे खाओ, खा शाबाश, उड़ा उड़ा बहन की सालगिरह की दावतें उड़ा। बाबा बिल दे रहे हैं, eating रायता। चलो चलो खाना हजम करो। सड़कों में ना इस चीज़ के लिए रुल रहे हैं कि हमने केक खरीदना है। हमने खाना वगैरह खा लिया, वहाँ से हम आ गए नीचे, अब हमने लेना है केक, तो हम बैग ही ढूंढ रहे हैं। चॉकलेट भी ठीक है, क्रीम भी ठीक है, ये भी प्यारे लग रहे हैं। दो लेना कितनी लग रही। चलो 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 क्या करिए, बाद में आना कुछ नहीं है, आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, चलो चलो। वाह, ओए 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 ओए।
चलो उसके इससे कि उसके चाचू आ गए ठीक है सुबह स्कूल भी जाना है वो ब्लू वाला जो मूसा के पास पड़ा था पता नहीं कौन सी कंजर्वेशन हो रही है आ चुके हैं चलो 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 भाग जाओ चलो क्या निकले अंदर से डेरी में डेरी में मेरा चल अब तेरा ये क्या है मैं बताऊं वो वॉच वाह ये मुझे दे दो क्या है 30 के ऊपर हां पर ठीक है छोड़ अबे चल
भाई मेरा शो ना मोना, मैं तो अपने गिफ्ट्स की टेप में भी नहीं फेंकती। सही है ना, मैं इतनी कलर करती हूँ इसलिए मुझे इतने सारे मिलते हैं। अली ने भी एक देख देखो बच्चे का। हां देखते हैं हिस्टोरिकल है। आप जाके ना दे देना ग्लासों के साथ। टिकट लेके फरार हो गया आपका बच्चा। चॉकलेट अभी खोलना है, सुबह स्कूल भी जाना है। शीशा है, एहतियात कीजिए। ग्लास है, ग्लास ग्लास वैसे बना हुआ है लेकिन कोई शीशे का है काम। व्हाट इज दिस अलमारी? उठ गया लगेगा।